एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त कैसरगंज सीट को लेकर के काफी बवाल है और कैसरगंज सीट को लेकर भाजपा ने जिस तरीके से प्रत्याशी का ऐलान किया, दरअसल उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष इसका विरोध कैसे करेगा। और साथ ही एक सवाल ये भी कि आखिरकार कैसरगंज सीट को लेकर भाजपा ने क्या वो वोट पिया है जिसको लेकर के वो ये दावे करती रही कि महिला सम्मान से किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी आप कह सकते हैं कि मामला जो है वो एक तरीके से हल्के में नहीं लिया जाएगा और जहां भी महिलाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात आएगी वो कार्रवाई करते हुए दिखाई भी देंगे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी के भी खिलाफ। लेकिन भाजपा जब अपने पर आती है तो पूरी तरीके से उन तमाम रूल रेगुलेशन को भूल जाती है और यही चीज उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिली। दर्शक, इस पूरे मामले पर मेरे से बात करने के लिए प्रांशी जुड़ी हैं। इनसे समझते हैं कि आखिरकार कैसरगंज सीट पर अब करण सिंह के उतारे जाने के बाद समीकरण क्या बन सकते हैं और विपक्ष इसका कैसे जो है तोड़ निकालेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अबरार ये निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है। राजपूत समुदाय को जिस तरीके से संभालने की कोशिश की गई ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, अब उनके बेटे को आगे कर दिया है। वह जब जब यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, तब तब उन्होंने जीत हासिल की है। और इसके अलावा यहाँ पर बात ये कर ली जाए कि बेटे करण भूषण के जरिए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह उस सियासी वर्चस्व को कायम रख पाएंगे या फिर नहीं, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह से महिला पहलवान देशभर में न्याय की मांग करती हुई नजर आई, दिल्ली में वह जंतर मंतर पर बैठती हैं, महीनों तक बैठती हैं, चिलचिलाती धूप में बैठती हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसी है, लाइट की व्यवस्था कैसी है, ये सब कुछ हमने जाना। और देखा गया कि जिस तरह से पीएम मोदी जब नई संसद भवन पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, तब कैसे उन्हें सड़कों पर घसीट कर ले जाया जाता है, तो उस बात को कोई भूलेगा नहीं, नजारों को कोई भूलेगा नहीं। और ऐसे में देखा जाए सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को या फिर उनके परिवार को बढ़ावा क्यों दे दिया गया। परिवारवाद की बात करती है बीजेपी, आज उसी परिवारवाद की स्टेटमेंट पर बीजेपी खुद घिरती हुई नजर आ रही है। बात यहां पर कर ली जाए अगर समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है। अखिलेश यादव ने टिकट दिया है भगत राम मिश्रा को और भगत राम मिश्रा के जरिए वह यहां से देखा जाए तो वोट बैंक में भारी बढ़ाव चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं। और ये केसरगंज सीट अगर समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाती है तो आप समझ सकते हैं बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में देखा जाए केसरगंज सीट समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते बीजेपी को एक भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को ना हटाकर बीजेपी देखा जाए तो अब भी लोगों के निशाने पर है, विपक्षी दलों के निशाने पर तो रहेगी। सस्पेंस बरकरार रखा था बीजेपी ने इस पर, वहीं कांग्रेस ने भी सस्पेंस बरकरार रखा था कुछ सीटों पर, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी किस तरह से फैसले लेती हुई नजर आई है ये सभी समझ चुके हैं। छवि पर देखा जाए तो असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं उस छवि की फिक्र शायद ही बीजेपी ने की है। बीजेपी यहां पर सीट को अपनी तरफ रखना चाहती है, लेकिन अब ये देखना होगा कि करण सिंह अगर यहां से जीत जाते हैं तो बीजेपी यहां पर सीट पर कोई बदलाव करेगी या फिर नहीं अपने सांसद को लेकर। बिल्कुल दर्शकों, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस सीट को लेकर के मामला जो है वो क्या होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आइए, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जब जो है हमने अपने सहयोगियों से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की तो उनका क्या कहना था, देखिए। करना उतना उचित नहीं है क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर सारी लड़ाई थी, सारा का सारा जो फोकस था ब्रजभूषण के ऊपर था कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो बीजेपी ने देखिए उनको टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में मुझे लगता विपक्ष के पास। ये तो अमन जी इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं कि ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। अगर उनके बेटे को टिकट मिला है तो मान करके चलिए कि ब्रजभूषण जी को टिकट मिला है और उस सीट पर उन्हीं का राजनीतिक दबदबा है, तो इसको कैसे डिफेंड करें? देखिए बिल्कुल, और ये कोई बड़ी बात नहीं है देखिए अबरार, क्योंकि अगर देखा जाए बाप ने अगर कोई कसूर किया है या नहीं किया, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ इस पूरे मामले में आरोपी हैं, अपराधी नहीं है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और देखिए बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, यही लड़ाई थी ना सारी विपक्ष की कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिला, तो ऐसे में मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, बिला वजह का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अक्षय है मेरे साथ। अक्षय, क्या वाकई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है? विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और तभी जाकर के अब तक
2014 की उन बातों को लेकर के लगातार जनता के बीच जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो 2 करोड़ की नौकरी हो या है चाहे 15 लाख अकाउंट में आने वाली बात हो, क्योंकि उसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि 15 लाख रुपए जुमला था। और आज जब कानून में पूरी तरीके से तमाम दस्तावेजों को रख करके इस बात पर चर्चा चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब भी आप लोगों को कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? आप क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के सड़कों पर उतर करके वावेला मचाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये आपको जो उचित लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था? देखिए, देश के गृह मंत्री खुद यानी खुद अमित शाह भरे मन से इस बात को कह चुके हैं कि सभी लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करना। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या हुआ? कई जो है उत्तर प्रदेश की सीट पर जिस तरीके से ये राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, इसका अंत कैसे होता हुआ नजर आएगा? और क्या पहलवानों को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे, पहलवानों को लेकर के जो वावेला मच रहा था, उसका अंत कैसे हो पाएगा? इस पूरे मुद्दे पर अभी भी सभी की नजरें टिकी हुई है और भाजपा के इस प्रत्याशी को लेकर के संशय ये भी बना हुआ है, क्या दबाव के कारण फिर से वो टिकट जो है बदला जा सकता है, प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, यहाँ तक की चर्चा। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जानबूझकर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने क्या कहा ये भी सुनिए। बताया गया है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि ये आप देखिएगा कि ये जो चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, चाहे महिला पहलवान का आंदोलन देख लीजिए, ये सब पूरा एक राजनीतिकरण देखने को मिला था। साक्षी मलिक का पूरा साफ तौर पर नाम आया था, बजरंग पुनिया की एक रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा बीच में वायरल हुई थी, जिसमें तमाम तरीके की चीजें निकल कर सामने आई थी, उसमें चेहरा सामने आ गया था, तभी आंदोलन दबता हुआ नजर आया। अभी आपने किसान आंदोलन देखा, चुनाव से पहले ये सारी चीजें क्यों निकल कर आती है, फिर अचानक से समाप्त हो जाती है? क्या किसानों के मुद्दे खत्म हो जाते हैं? तो ऐसा इस पर जो अक्षय से जवाब लेते, क्या कहेंगे आप जो बातें उठा रही है माही, इसमें तो सच्चाई है। चुनाव से पहले आपने आंदोलन शुरू किए और अचानक से वो बंद हो गए, और अब आपकी क्या प्लानिंग है कैसरगंज सीट पर? क्योंकि भाजपा ने तो आपको जो है जो आप जोरदार एक तरीके से आप कह सकते हैं तमाचा मार दिया है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह के इंतजार में जो आप बैठे थे उन्होंने आपके साथ बड़ा खेला कर दिया। हाँ, मैं अपनी सहयोगी से ये पूछना चाहूँगा कि क्या उनके बात का मतलब ये निकाला जाए कि चुनाव से पहले या चुनावों के दौरान जब मान लीजिए कि MSP का किसानों के लिए सरकार वादा करती है और चुनाव होते ही किसान धरने पर बैठ जाएंगे कि 3 महीने हो गए आपने हमें MSP नहीं दी है, जब चुनाव सर पर आएंगे तभी तो उनके द्वारा किए गए वायदों ने याद दिलाए जाएंगे, चाहे यहाँ पर किसान आंदोलन की बात हो, चाहे यहाँ पर अन्य मुकाम, यहाँ पर तमाम तरह के वायदों की बात हो, जब चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं लगभग बीच में साढ़े चार साल का वक्त बीच में गुजरा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने, कहीं ना कहीं किसानों ने, जनता ने सरकारों को समय दिया है कि आपने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। अब चुनाव आ गए हैं, अब हम आए हैं अपने वायदों को याद दिलाने के लिए, तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि सरकार बनते ही या चुनाव होते ही वायदे के 1 महीने के भीतर ही अपना आंदोलन शुरू कर दिया जाए? अच्छा सिराज, किसानों को लेकर के भाजपा जो सरकार है केंद्र की, वो तो ये आपने सुना दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी राय क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये सीट हॉट सीट बनने वाली है? महिला पहलवान एक बार फिर से इसके खिलाफ अग्रसर होकर के प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे? इस पर हमारी नजरें भरी हुई है दर्शकों। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।